जब आप पजस करने या मालिक बनने की कोशिश करते हैं तब आप एक शैतान बन जाएंगे। जरा किसी चीज को पूरी तरह कब्जे में लेकर देखिए, यह आपके अंदर असहनीय दर्द लेकर आएगा। जब इससे उस तरह का दर्द होगा तो यह आपका इलाज कर देगा। जब जीवन का ये अंश अपने अंतरतम तक जीवंत होता है तब आप पाएंगे सब कुछ ठीक है। नमस्कारम सतगुरु। कोई व्यक्ति एक रिश्ते में पोजेसिवनेस या दूसरे के मालिक होने के भाव को कैसे दूर करे? पोजेसिवनेस को दूर करने की कोशिश मत कीजिए। जरा किसी चीज को पूरी तरह से कब्जे में लेकर देखिए। जब आप किसी चीज को कब्जे में करने की कोशिश के दर्द को जानेंगे, जब आप इसके दर्द को जान जाएंगे, यह आपके पोजेसिवनेस का इलाज कर देगा। आपकी पजेसिवनेस को दूर करने की कोशिश काम नहीं करने वाली है, क्योंकि आपने पहले ही कोशिश कर ली है ना। जाहिर है आपने कोशिश की है, आप असफल रहे हैं और इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। पूरी तरह से कब्जा करेंगे, चाहे वो आपका पति हो, आपका बच्चा हो, या आपका घर हो, या फिर आपका कुत्ता हो, उसे पूरी तरह से कब्जे में रखने में जान लगा दीजिए। आप देखेंगे ये आपके लिए असहनीय दर्द लेकर आएगा। जब ये उस किस्म का दर्द लेकर आए तो ये आपका इलाज कर देगा। तो भला क्यों आप किसी को पजेस करना चाहते हैं? जानते हैं, भारत में या फिर दुनिया में कहीं भी अगर आपने कहा कोई व्यक्ति पजेस्ड है तो उसका क्या मतलब है? जो कब्जे में है वो एक शिकार है, लेकिन जो कब्जा किए हुए हैं जानते हैं वो कौन है? यू आर जस्ट दैट व्हेन यू ट्राई टू पजेस यू विल बिकम अ डेविल। आप बस वही हैं। जब आप पजेस करने की कोशिश करते हैं तो आप एक शैतान बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अच्छी नीयत होते हुए भी आप एक शैतान बन जाएंगे। पजेसिवनेस की यही समस्या है। इरादे बड़े अच्छे हैं और आपको क्या पता कि शैतान के इरादे आपके लिए अच्छे नहीं है? कौन जाने, आपको क्या पता कि भगवान के इरादे आपके लिए अच्छे हैं? केवल सिर्फ प्रचार ऐसा कहता है, लेकिन आप पूरे यकीन से नहीं जानते हैं, है ना? हाँ, अगर ये सब भगवान का किया धरा है जो आपके जीवन में हो रहा है, आप वाकई नहीं जानते कि उसके इरादे आपके लिए अच्छे हैं या आप अच्छे नहीं हैं, है ना? आपको पक्का पता है? आपको यकीन है? आप नहीं जानते, और आप ये भी नहीं जानते कि शैतान के इरादे आपके लिए खराब हैं। आप नहीं जानते, लेकिन जो इंसान कब्जा जमाता है आमतौर पर शैतान होता है। तो अच्छी नीयत के साथ जब हम कहते हैं कि कोई शैतान है, तो हमने उसकी नीयत पर सवाल नहीं उठाया, हम बस उसकी करनी के नतीजे की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, हम उसकी नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम हवा रूपी शैतान, हो सकता है कि हवा अच्छी नीयत के साथ चल रही हो, लेकिन क्योंकि ये आपके घर को उजाड़ रही है, आप उसे शैतान कहते हैं परिणाम की वजह से, है ना? तो अगर जो परिणाम आप लेकर आ रहे हैं वो पीड़ादायक हैं, तब आप एक शैतान हैं। आपके इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन परिणाम पीड़ादायक है आपके आसपास वाले किसी के लिए, तब आप एक शैतान हैं। तो अगर आपने किसी तरह कब्जा जमा लिया है तो आप पक्का एक शैतान होंगे, और ये शिकार जो किसी दूसरी चीज के कब्जे में है, वो अपने आसपास हर किसी के लिए बहुत सी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आपने उन्हें देखा है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि कब्जे मत जमाइए, तो आप वैसे भी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये किसी की सलाह से जाने वाली नहीं है। प्लीज किसी को कब्जे में मत रखिए, ये जाने वाला नहीं है।
आप अपने कब्जे के विषय को इस चीज से उस चीज तक ले जा सकते हैं, लेकिन वो लालसा कब्जा जमाने की वो जरूरत गई नहीं है। आप अपने कब्जे के विषय को इस चीज से उस चीज तक ले जा सकते हैं, क्योंकि किसी चीज को अपने कब्जे में रखने की आपकी इच्छा मुख्य रूप से जीवन के एक अतृप्त अनुभव की खास भावना से आ रही है, एक तरह से अधूरा होने की भावना से आ रही है। आप बस क्या करने की कोशिश में हैं कि बस खुद को तृप्त कर लूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, आप अमीर होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप महत्वाकांक्षी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप पजेसिव होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लालच के लिए, गुस्से के लिए, घृणा के लिए जवाब वही है। आप ये सब होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस किसी तरह तृप्ति पाने की कोशिश में हैं। या तो इस व्यक्ति को गले लगाकर, या उस व्यक्ति को मारकर, या उसके पास जो है उसे लेकर, या उसे लेकर किसी तरह आप खुद को तृप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद के अधूरेपन को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, यह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि आप हर चीज आजमाइए, आप लालच आजमाइए, आप पजेसिवनेस आजमाइए, आप प्रेम आजमाइए, आप वासना को आजमाइए, आप जो चाहें आजमाइए। अगर आपको एहसास हुआ कि आपको कहीं नहीं ले जा रहा है, तो आप में बदलाव के लिए जरूरी समझ होनी चाहिए। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है और आप लगातार वही चीज करते जा रहे हैं, तब आप छुटकारे से परे वाले मूर्ख हैं, है ना? मैं मेरी सलाह को मत सुनिएगा, कोई चीज आजमाइए। अगर वो काम करे तो उस मार्ग पर चलते रहिए, अगर वो काम ना करे तो उस बकवास को छोड़कर किसी दूसरी चीज को आजमाइए, है ना? और आप देखेंगे कि इनमें से कोई चीज काम नहीं करेगी, वो सब ऐसा भाव पैदा करेंगी जैसे कि वो काम करने वाली हैं, लेकिन वो आपको बाद में धोखा दे देंगी। भरसक कोशिश करके देखिए, हल्के हल्के से कोशिश मत कीजिए, पूरी तरह से कोशिश कीजिए। अगर आप पूरी तरह से कोशिश करें तो 24 घंटे में ही आप जान जाएंगे। अगर आप हल्के हल्के कभी कभी कोशिश करते हैं तो जानने में पूरा जीवन काल लग जाएगा। अगर 24 गुण हैं तो आपको यह एहसास करने के लिए 24 जीवन काल चाहिए कि ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता। अगर आप वाकई जबरदस्त कोशिश करें तो 24 घंटे में ही आपको पता चल जाएगा कि ये काम नहीं करता। आपकी ये समस्या चाहे जो भी है, उसमें पूरी तरह से लग जाइए। 24 घंटे में आप देखेंगे कि ये किसी काम का नहीं है, ये कभी काम नहीं करेगा। आपको ये बात 100% स्पष्ट होगी। एक बार जब ये स्पष्ट हो जाए, मुझे आपकी बुद्धिमानी पर भरोसा है। एकलौती चीज जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो बुद्धिमानी है, क्योंकि जीवन बुद्धिमानी है। पेड़ खिल रहा है, ये एक तरह की बुद्धिमानी है। जिस धरती पर आप चलते हैं वो बुद्धिमान है, जो हवा आप सांस में लेते हैं वो बुद्धिमान है। जीवन को देखने का एक तरीका यह है कि जीवन बस बुद्धिमानी का एक विस्फोट है, जिसे आप सृष्टि कहते हैं, और जिसे आप सृष्टा कहते हैं वो चरम बुद्धिमानी है, है ना? वही एक चीज है जिस पर आप अभी भरोसा कर सकते हैं, और वो तभी काम करेगी अगर आप पूरी तरह से लग जाएंगे। अगर आप ऐसे बढ़ते हैं तो ये आपको आराम और सांत्वना का एक झूठा भाव देगा। आप इन बेवकूफी वाली चीजों के साथ पूरे जीवन लगे रह सकते हैं। आपको पता है काम नहीं करता, लेकिन ये उतना तीव्र नहीं है। तो आप जो भी बकवास कर रहे हैं उसमें खुद को पूरी तरह झोंक दीजिए। बहुत जल्दी, एक ही दिन में आप जान जाएंगे ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता। अगर आपको एहसास होता है कि ये काम नहीं करता, तो मेरा विश्वास है कि आप बदलाव करेंगे। क्या मैं गलत हूं? क्या मैं विश्वास कर सकता हूं कि आप बदलाव करेंगे? कोई चीज काम नहीं करती और आपको यकीन है कि ये काम नहीं करती, तो आप बदलाव करेंगे? तृप्ति, पूर्णता, इसे हासिल करने में या उसे हासिल करने से नहीं आने वाली। ये सिर्फ तभी होगी जब जीवन का ये अंश अपने अंतरतम तक जीवंत होगा, जब इसके अंदर सृष्टि के स्रोत को ही
आपने भांप लिया है। जब आप उसे स्पर्श कर लेते हैं, सिर्फ तभी आप पाएंगे सब कुछ ठीक है। अब आप जीवन को फुटबॉल के खेल की तरह खेल सकते हैं। जब यह चल रहा हो तो आप खेल रहे हैं, जब आप इसको बंद करना चाहें तो वो बंद हो जाता है, तब कोई चीज समस्या नहीं होती।